तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग पीछे जो डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये तीन जनरली जितने मटेरियल्स हैं उसको तीन क्लासिफिकेशन करी जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, इन मटेरियल को कैसे क्लासिफाई किया गया उसके ऊपर बात हो गई थी। अब हम लोग यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर के ऊपर बात करने जा रहे हैं। प्योर सेमीकंडक्टर कहिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहिए, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कहिए, इनके ऊपर बात कर रहे हैं। तो सिलिकन और जर्मेनियम दो बेसिकली प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि सिलिकन और जर्मेनियम का, जैसा कि पिछले सेशन में भी और पीछे भी मैंने बता रखा डिस्कस कर रखा है कि सिलिकॉन का जो आपका बैंड गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वहीं पर जर्मेनियम का 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि भाई कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहां पे 0 केल्विन पे क्या होता है कि इस तरह के मटेरियल का जो मैं बात कर रहा हूं, प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम का, उसका जो वैलेंस बैंड होता है कंप्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड में कोई भी बेसिकली यहां पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करता, वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है। तो 0 केल्विन पे एक्चुअली जो है प्योर सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर है, राइट। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आप बेसिकली 0 केल्विन पे एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर है प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम की बात करें, राइट। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे एम्प्टी कंडक्शन बैंड आपको दिख रहा है। तो अब यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो इनफैक्ट कोई जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, डेट मीन्स यहाँ पे बेसिकली आप कहें कि चार्ज कैरियर ही नहीं है, तो इसका तो कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी, और यदि कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी तो डेट मीन्स इट इज द बेसिकली इंसुलेटर, राइट। तो 0 केल्विन पे प्योर सेमीकंडक्टर आपका एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो यहां पे ये बात हो गई। अब क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे आप, 0 केल्विन से आप ऊपर लेके जाएंगे, तो ड्यू टू द थर्मल एनर्जी यहां पे जो वैलेंस बैंड में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे रहते हैं वो डिसोसिएट होते हैं, और वो डिसोसिएट होकर के वो जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, ये कर गए यहां पे। तो अब आपके पास कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि पहले बिल्कुल कंडक्शन बैंड में कंप्लीटली एम्प्टी था, कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, अब कंडक्शन बैंड में यहां पे चार्ज कैरियर आना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हो गया, जहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली मूव कर सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो बट एंड ऑब्वियस है ये कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी हमारे को मिलना शुरू हो जाएगा बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं अप्लाई करूंगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा कि जो इसका ये इलेक्ट्रॉन्स है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा, ड्रिफ्ट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हमारे को बेसिकली करंट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात यहां पर यह भी है कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इस जगह से वैलेंस बैंड से डिसोसिएट होकर कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं तो वैलेंस बैंड में एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाता है। उस एम्प्टी स्पेस, वो एम्प्टी स्पेस भी बेसिकली मूव करता है, और ये एम्प्टी स्पेस जो मूव करता है वो आपका जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है उसके ठीक अपोजिट। देखिए मैंने यहां पे इलेक्ट्रिकल अप्लाई कर रखा है इस मेटल में, इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग मैंने इधर दिखा रखी है। देखिए यहां पे ये इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट मैंने दिखा रखी है। तो जो ये आपका होल्स है, जो एक एम्प्टी स्पेस है, विच कैन बी ट्रीटेड एज द पॉजिटिव चार्ज, एज्यूम टू बी है नहीं बेसिकली, एज्यूम टू बी पॉजिटिव चार्ज हम लोग ले लेते हैं यहां पे, वो बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना शुरू कर देता है, ड्रिफ्टिंग होती है उसकी। इसका मतलब यहां पे एक तरह से जो कंडक्टिविटी में, सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी में दो चार्ज कैरियर यहां पे पार्टिसिपेट करती है, एक तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है और दूसरा आपका यहां पे होल्स, जो एम्प्टी स्पेस है उसका नाम हम लोग देते हैं होल्स, वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं फॉर द कंडक्शन प्रोसेस इन द सेमीकंडक्टर। और यही डिफरेंस है यहाँ पे मेटल में, मेटल में जो चार्ज कैरियर होता है जिसकी वजह से हमारे को कंडक्टिविटी मिलती है वो केवल इलेक्ट्रॉन्स होती है, इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रोलाइट होती है उसमें केटायंस एंड एनायंस होते हैं, वहीं पे सेमीकंडक्टर में जिसकी वजह से हमारे को कंडक्टिविटी मिलती है वो एक इलेक्ट्रॉन्स होता है और दूसरा होल्स होता है। दैट मीन्स इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर द चार्ज कैरियर्स ड्यू टू विच द कंडक्टिविटी विल अराइज आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। और चूंकि ये थर्मल एनर्जी से यहां पे जेनरेट हुए हैं तो हम लोग इसको थर्मली जेनरेटेड चार्ज कैरियर कहते हैं, समझ रहे बात को, थर्मली जेनरेटेड चार्ज कैरियर, राइट। अब मुझे आप ये बताइए कि यदि एक इलेक्ट्रॉन यहां से वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल,
हुआ या नहीं हो बताइए यहाँ पे, कि यहाँ पे यदि थर्मल एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है कि यहां से वैलेंस बैंड से डिसोसिएट होकर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर गया, तो वन इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ, वन होल क्रिएट हुआ। इसका मतलब हो गया कि प्योर सेमी कंडक्टर केस में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, उतने ही नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे। दैट मीन्स एन आई और पी आई की वैल्यू, एन इज स्टैंड फॉर द नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स के लिए, आई फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो एन आई हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स मतलब पॉजिटिव के लिए, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दैट मींस यदि प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें तो प्योर सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की होगी, वही चार्ज कैरियर डेंसिटी यहां पे होल्स की होगी। ये बात क्लियर होगी आपको। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि इसका मतलब टेम्परेचर यदि बढ़ा रहे हैं तो हमारे को जितना चाहे उतना इलेक्ट्रॉन से मिल जाएगा, यहां पे जितना चाहे वैलेंस बैंड में जितना चाहे उतना होल्स मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब इनफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आ जाता है तो वो भी आपस में कोलाइड करना शुरू कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब थ्री एनर्जी कोलिजन की वजह से जिस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है इतनी ज्यादा नहीं होती है जो कि कंडक्शन बैंड में रह पाए, तो वो जंप कर जाते हैं वैलेंस बैंड में और किसी न किसी होल्स के साथ वो रिकम्बाइन कर जाते हैं, किसी न किसी होल्स के साथ वो रिकम्बाइन कर जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप यदि रूम टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो दो चीजें हो रही होती हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, एक तो हो रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट भी हो रहा होता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, और दूसरा एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो रिकम्बाइन भी हो रहा होता है, और एक इक्विलिब्रियम होता है किसी भी टेम्परेचर पे जिसमें हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, जितना यहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा ड्यू टू द थर्मल एनर्जी उतना ही बेसिकली रिकम्बाइन हो जाता है। इसीलिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है होल्स की डेंसिटी कॉन्स्टेंट रह जाती है, और यदि ऐसा नहीं होता तो हमारे को बेसिकली काफी ज्यादा कंडक्टिविटी मिल जाती है, क्योंकि कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन होल पे ड्यू टू थर्मल एनर्जी क्या होगी डेवलप होती चली जाएगी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि एट ए सर्टेन टेम्परेचर देयर विल बी द इक्विलिब्रियम, यहां पे इक्विलिब्रियम होगा। इसका मतलब यहां पर ये कि रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ड्यू टू विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम एट ए गिवन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट आ जाती है और दोनों आपस में इक्वल होती है। ये होता है यहां पे प्योर सेमीकंडक्टर का, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कंडक्टिविटी एराइज होता है। एक बात राइट, तो यहां पे अब तक जो मैंने बात करा वो समझिए बात को, जीरो केल्विन पे सेमीकंडक्टर जो है बेसिकली एक प्योरली इंसुलेटर है, मतलब उसकी कंडक्टिविटी जीरो केल्विन पे जीरो के इक्वल होती है। अब क्यों होती है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है, और वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड रहता है और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी रहता है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ यहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर, राइट। और धीरे धीरे करके टेम्परेचर के बढ़ने के साथ इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बेसिकली बढ़ता चला जाएगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेसिकली यहां पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है मतलब चार्ज कैरियर ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि एक सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन वहीं पे मेटल या कंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। और इसकी वजह क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूं, एज द टेम्परेचर विल इंक्रीज द चार्ज कैरियर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर या कहें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी या होल्स की डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, राइट। ये वाली बात है। अब देखिए अगला पॉइंट, मैंने ये भी डिस्कस किया कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम एक प्योर सेमीकंडक्टर में कांस्टेंट हो जाती है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि एट द सेम टाइम क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी हो रहा होता है और रिकम्बिनेशन भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर का हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल से जो बातें मैंने आपको समझाया वो डेफिनेटली क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बेसिकली प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी एराइज होती है, राइट। दूसरी बात आप देखिए यहां पे कि कंडक्टिविटी क्या लिखते हैं। कंडक्टिविटी आपको पता ही कि सिग्मा होता है एन ई म्यू, एन होता है नंबर डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, ई होता है उसकी चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ले लेते हैं, अब म्यू होता है मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर,
राइट। तो यहां पे जो कंडक्टिविटी होगी वो दोनों की वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होगी और होल्स की वजह से भी होगी। तो दोनों को आप अलजेब्रिकली क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, क्योंकि कंडक्टिविटी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सिग्मा विल बी इक्वल टू एनआई म्यू ई, मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द प्योर सेमीकंडक्टर इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो कि 1.6 इनटू 10 माइनस 19 कूलम्ब है। अ म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्लस पीआई नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, होल्स पे वही ई ही लेते हैं। अब प्यू म्यू पी यहां पे है मोबिलिटी ऑफ द होल्स, राइट। अब हमने क्या किया, एनआई और पीआई आपस में इक्वल होता है, तो मैंने और आप भी कर सकते हैं ये कि पीआई की जगह मैं एनआई रख देता हूं, और फिर एनआई और ई कॉमन लेने के बाद आपकी कंडक्टिविटी क्या आ जाएगी, एनआई इंटू ई इंटू ब्रैकेट में म्यू ई प्लस म्यू पी। तो दिस वन इज द कंडक्टिविटी, दिस वन इज द, ये जो है बेसिकली कंडक्टिविटी है आपका प्योर सेमी कंडक्टर के केस में, राइट। अब दिक्कत ये है यहाँ पे कि ये देखा जाता है कि रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि हमारा सारा काम एक्चुअली रूम टेम्परेचर पे होना है। अब तो ये ऐसा नहीं है ना कि मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाऊं, रूम टेम्परेचर 20 25 30 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बनना चाहिए, 30 35 तक बनना चाहिए, राइट। तो उतने टेम्परेचर पे हमारे को इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की या होल्स की डेंसिटी नहीं मिल पाती है जिससे कि इनफ कंडक्टिविटी आए प्योर सेमीकंडक्टर में, जितनी डिजायर्ड है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितनी हमारे को जरूरत है कंडक्टिविटी की एट रूम टेम्परेचर, हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर से लेके नहीं आ पाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी हमारे को मिल नहीं पाती है, एन आई और पी आई की वैल्यू इतनी ज्यादा होती नहीं है, राइट। तो कंडक्टिविटी तो होती है बट एनफ कंडक्टिविटी हमारे को नहीं मिल पाती है, इसलिए अब हमारे को कंडक्टिविटी यदि इंक्रीज कराना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह के मटेरियल को जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसको हम लोग डोपिंग कर देते हैं। अब डोपिंग का मतलब देखिए, जैसे प्लेयर वगैरह क्या करते हैं, प्लेयर का सुनते हैं कि कोई प्लेयर भाई डोपिंग में पकड़ा गया, उसमें वो क्या करता है कि भाई कि प्लेयर करते क्या है, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, अपने पावर को बढ़ाने के लिए कुछ दवाई खा लेते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं, जिससे कि उनके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी टाइम बींग के लिए यूज करते हैं और वो मेडल वगैरह जीत के ले आते हैं। तो ये होता है डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या हो गया कि यदि आप अपनी एनर्जी को और एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप फॉरेन एलिमेंट्स लेते हैं, अपने बॉडी के अंदर फॉरेन एलिमेंट्स इंप्यूरिटी डाल लेते हैं जिससे कि आपकी एफिशिएंसी टाइम के लिए बढ़ जाती है। बिल्कुल वैसा ही मतलब यहां पे है। अब मैं इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहता हूं, प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को, तो मैं क्या करूंगा कि फॉरेन एलिमेंट्स को इसके अंदर डालूंगा, इंप्यूरिटी मिक्स करूंगा, और इंप्यूरिटी मिक्स करके मैं इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कराऊंगा प्योर सेमीकंडक्टर के। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डोपिंग, और ऐसा सेमीकंडक्टर जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर, या कहते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर, या कहते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, या कहें डोप्ड सेमीकंडक्टर होते हैं, वो इस बात पे डिसाइड होता है कि हम लोग किस मटेरियल को मिक्स करने जा रहे हैं एज द इम्प्यूरिटी। अब यदि आप ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को, फास्फोरस को मिक्स करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के साथ ग्रुप 15, तो उस केस में हमारे को जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, और यदि आप ग्रुप 13 के एलिमेंट को मिक्स करते हैं तो हमारे को यहां पे पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। तो अब हम लोग आगे इसी बात पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर हम लोग आगे अब डिस्कस करते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या कहें एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, राइट। तो डेफिनेटली आपको ये पूरा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, तो सेशन यदि पसंद आ रहा है तो आप जरूर से लाइक कीजिए लेक्चर को, और अच्छे अच्छे कमेंट प्लेस कीजिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए जितना बता सकते हैं, ताकि हमारे काम से उनको भी बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, कुछ नए कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, कुछ नए प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करते हैं।